सुपीरियर ओएस रोम का जो है ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 का न्यू बिल्ड आया, बट अभी सुपीरियर ओएस का एक भी रिव्यू मैं नहीं किया एंड्रॉयड 14 का रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए, तो यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करूँगा। और इंस्टॉलेशन जिनको जानना होगा तो पहले जो एंड्रॉयड 13 का भी जो इंस्टॉलेशन था वही सेम आप फॉलो कर सकते हो, बस रिकवरी जो है आपको रिकमेंडेड यूज़ करनी जो डिस्क्रिप्शन पर दी गई, इंस्टॉलेशन पहले का ही वही आप फॉलो कर सकते हो आराम से। बाकी चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, तो कंप्लीट रिव्यू हम करेंगे और आगे के अपडेट्स में फिर जो चेंजेस होंगे उनके बारे में बात किया करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिव्यू देखने को मिलेगा। अबाउट फोन के अंदर आपको यहां पे एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है, अंदर में सुपीरियर ओएस का जैसे कि ये जो है जेएफसन क्लोडेड वाला बिल्ड है, बाकी एंड्रॉयड 14 के साथ आता है। सिक्योरिटी 5 2024 का है, कर्नल यहाँ पे सिमलोही वाला कर्नल यहाँ पे मिल जाएगा 4.14 बेस्ड। एंड यहाँ पे आपको एनिमेशन में 60 हर्ट्स के अंदर में थोड़ा जिटरी सा रहता है, यहाँ पे तेज चीज़ देखने को मिलेगा 60 हर्ट्स पे, बाकी डाटा यूजेस है। एंड यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट ये भी आपको मिल जाएगा, तो इसको लेके भी ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। और यहाँ पे टाइल्स में आपको सेपरेट टाइल वाईफाई मोबाइल डाटा का रहेगा, तो टाइल्स उसे काफ़ी हैं, टाइल्स को लेकर ऐसे दिक्कत नहीं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकिन नॉर्मल आता है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में ऐसे क्यूएस पैनल में भी आपको थोड़ा बहुत लैग मिलता है, बट खासकर ऐप ओपनिंग के टाइम उन समय थोड़ा सा ज़्यादा आपको लैग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ देखने को मिलेगा। और वॉल्यूम पैनल इसके अंदर में अभी भी जो है यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सपेंड नहीं होता है, और ऐप ओपनिंग के बारे में बात करें नॉर्मल में तो ऐप ओपनिंग आपको अच्छा मिल जाएगा, कुछ हैवी एप्लीकेशन में खासकर 60 हर्ट्स पे ओ जिटरी थोड़ा सा रहने वाला है। एंड यहाँ पे नीचे मेमोरी इन्फो मिल जाएगा बैकग्राउंड के साथ, एंड स्क्रीनशॉट पे डिलीट का ऑप्शन है, बाकी ऐप पे क्लिक करोगे तो लॉक स्प्लिट स्क्रीन फ्री फॉर्म विंडो ये सब मिल जाता है। अब इसके अंदर जो कैमरा दिया गया है वो यहाँ पे लाइका वाला कैमरा दिया गया है, यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्चर क्लिक आराम से कर सकते हो, वीडियो में 1080 तक आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है फिलहाल इसके अंदर में यहाँ पे, और यहाँ फ्रेम रेट जो है आप चेंज कर पाओगे। तो लाइका का ये 5.0 वर्जन वाला, इसलिए इस तरीके का कैमरा आपको पूरा मिलता है न्यू इंटरफेस के साथ में। और अगर हम वर्जन की बात करें तो आपको बता भी दिया, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 5.0 वर्जन के साथ ये आता है। एंड जी कैम मैनुअली आप इंस्टॉल कर लेना। और इसके अंदर एक चीज़ देखा, वाइड वन यहाँ पे L3 देखने को मिला है, नहीं तो L1 रहता था लेकिन यहाँ पे L3 देखने को मिल रहा है। तो नेटफ्लिक्स इन सब में HD पे कंटेंट आप देख नहीं पाओगे, तो आप अगर बताना अगर आपने इंस्टॉल किया आप में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे L3 देखने को मिला है। बाकी FM है, गैलरी नॉर्मल आती है, बट गूगल फोटो के साथ आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाएगा अगर इंस्टॉल करोगे तो। एंड यहाँ पर जो है गेम स्पेस ये सब आपको मिल ही जाएगा। प्ले स्टोर जो है यहाँ पे हमें सर्टिफाइड मिलता है, तो सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है, आराम से बैंकिंग ऐप का यूज़ हम कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर जो सेट है वैसे इसके साथ ही आता है, अलग से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन, आपको थीम्ड आइकन अपग्रेड मिलेगा, लॉक्सिन में यहाँ पे क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा, कलर एंड साइज का यहाँ पे मिल जाता है लॉक्सिन के लिए, क्लॉक के लिए ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड लॉक्सिन शॉर्टकट है, मोर लॉक्सिन ऑप्शन में डायनेमिक लॉक है, नाउ प्लेइंग है, एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे, इसी के अंदर ऑलवेज जोन है जिसमें आप ब्राइटनेस का भी कंट्रोल यहाँ पे कर पाओगे, तो ये सब भी मिलता है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे फिलहाल यहाँ पे अच्छे तरीके से ये वर्किंग है AOD हमारा। और बाहर में फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ऑलवेज ऑन वैन चार्जिंग का ऑप्शन, तो ये सब जो है देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और अगर कॉलिंग को लेकर के बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल इसके अंदर काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बट यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इनेबल भी कर रखा हूँ बट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग काम नहीं करता, मैनुअल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो है कॉल रिकॉर्डिंग ये वर्क नहीं कर रहा है, मैनुअली आपको टैप करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जबकि दिया हुआ है और इनेबल है काम नहीं कर रहा। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पर अच्छे तरीके से इसके अंदर काम कर रहा है। एंड बैटरी की बात करें तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 88% मिला है, और बैटरी यूजेस जैसे कि देख सकते हो उस टाइम ऐड नहीं हुआ था इसलिए डैशबोर्ड के यहाँ पे दे रखा हूँ। एंड चार्जिंग की बात करें तो 60% चार्ज करने में 1 आवर 6 मिनट के करीब का यहाँ पे लास्ट का जो है टाइम लगा है, और बैटरी ड्रेन में 67% नाइट में था, मॉर्निंग में भी 67% ही मिला है, तो नाइट में ऐसा कोई ड्रेन मुझे नहीं मिला, अगर होता भी है तो इसके अंदर नॉर्मली होने वाला है, कोई हैवी बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर जो है इसके अंदर काम कर रहा है, तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। हालांकि यहाँ पर टाइप करके छोड़ा था तो ये पता नहीं कि अप्लाई नहीं हो, बट इमेज उमेज कहीं पर भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर कर सकते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं पर भी इमेज को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहो कर पाओगे। एंड इसके अंदर एंड्रॉयड 14 अभी जैसे कि ये है तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लेके थोड़ा इशू रहता है, क्रैश कर जाते हैं एप्लीकेशन तो रहेगा।
एंड सेटिंग्स के अंदर नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे सिम में, तो प्रेफर्ड नेटवर्क इसके अंदर आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो इनको लेकर के बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। काफ़ी सारे प्रेफर्ड नेटवर्क हैं, वाईफाई कॉलिंग काम करता है और जो हॉटस्पॉट है इसका ये भी अच्छे तरीके से काम करे, तो इसको लेकर भी ऐसा कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। प्राइवेट DNS नॉर्मल ही रहेगा। और कनेक्टेड डिवाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका जो कास्ट है ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सुपीरियर लैब की अब बात करें तो स्टेटस बार के अंदर ट्रैफिक इंडिकेटर आपको मिलेगा सबसे पहले, एंड फिर स्टेटस बार आइटम्स मिल जाएगा। बैटरी स्टाइल है जिसमें आपको काफ़ी सारे बैटरी स्टाइल यहाँ पे मिल जाते हैं, हालांकि बिल्कुल ज़्यादा वाला वो वाला तो नहीं है, बाकी QoS के लिए भी बैटरी स्टाइल है। और सो डाटा डिसेबल आइकन है, रोमिंग इंडिकेटर है, एंड क्लॉक एंड डेट की यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगा। क्विक सेटिंग्स है, वाइब्रेट ऑन टच, सो डाटा यूजर्स, क्विक पुल डाउन, ब्राइटनेस लैडर की सेटिंग्स मिल जाती है। नीचे फिर टाइल लेआउट से रिलेटेड आपको पूरा सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बटन के अंदर में प्लेबैक कंट्रोल सिर्फ है, और नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे नेविगेशन मोड है जिसमें जेस्चर और 3-बटन नेविगेशन है, तो यहाँ पे बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिल जाता है, जेस्चर बार है, हैप्टिक फीडबैक है, एडवांस जेस्चर ऑप्शन है, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा और अच्छे से काम कर रहे हैं। और बटन भी आप अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे, बटन के अंदर भी वैसे सेटिंग मिल जाता है लेआउट चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे टैप करोगे तो लेआउट आपका चेंज हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके का काम करने वाला है। और फिर आता है जेस्चर का ऑप्शन जिसके अंदर आपको यहाँ पे टैप टू स्लीप मिल जाता है बाहर, एंड सिस्टम सेटिंग्स में आते हो तो यहाँ पे क्विक टॉच, प्रेस एंड होल्ड पावर टर्न, स्वाइप टू स्क्रीन शॉट, ये सब है। और डबल टैप स्लीप जो दिया गया है स्टेटस बार और लॉक स्क्रीन दोनों के लिए है एक ही ऑप्शन में। और फिर यहाँ पे आता है हमारा लॉक स्क्रीन जिसमें म्यूजिक टीकर है, मीडिया कवर आर्ट है और वेदर की सेटिंग्स है। पावर मेन्यू के अंदर यहाँ पे अलाउ पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन है, एंड पावर मेन्यू में जाओगे तो एडवांस रिस्टार्ट है और कुछ शॉर्टकट्स पावर मेन्यू के लिए। एंड थीम्स के अंदर में फॉन्ट स्टाइल मिलने वाला है, आइकन पैक मिल जाते हैं काफ़ी सारे, सिग्नल आइकन स्टाइल भी देखोगे तो काफ़ी सारे ही हैं, डाटा आइकन स्टाइल भी मिलेंगे, एंड वाईफाई आइकन स्टाइल हो गया, फिर इसके नीचे आपको मिलता है आइकन सेप, और यहीं पे नीचे मिल जाएगा नेविगेशन बार स्टाइल, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और नोटिफिकेशन के अंदर एनोइंग नोटिफिकेशन लेस बोरिंग का ऑप्शन मिलेगा। मिसलेनियस के अंदर में इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है जिससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिमिट्स को आप सभी ऐप्स रिमूव कर सकते हो। अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो ये सब जो है आपको मिलेगा इसके अंदर में। और डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिलेगा, डार्क थीम है इसके अंदर आपको यूज़ ब्लैक थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, और नीचे नाइट लाइट है, कलर्स के ऑप्शन है जो कि ये भी वर्किंग मिल जाएगा। और रोटेशन मोड्स की बात करें तो इसके अंदर मिलता है यूज़ फ्लोटिंग रोटेट बटन को भी आप ऑन ऑफ कर पाओगे, एंड यहाँ पे मिलता है रिफ्रेश रेट का जो कि यहाँ से आप चेंज कर पाओगे मिनिमम और मैक्सिमम का। टैप टू बैक भी है, एक्सटेंडल बैकअप भी है। और ऐप्स के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको क्लोन्ड ऐप जो है देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, गेम स्पेस भी दिया गया है। क्लोन्ड ऐप जो है 13 एप्लीकेशन पे अभी जो है यहाँ पे सपोर्टेड है और ये काम करता है। लॉन्चर यहाँ पे सुपीरियर लॉन्चर है। और असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट का ही थोड़ा सा बग देखने को मिला, GFS इंक्लूडेड बिल्ड है हालांकि फिर भी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ पे आपका आइकन है और होम स्क्रीन की सेटिंग्स है जिसमें वॉलपेपर, स्क्रॉलिंग, जूमिंग ये सब रहेगा, हॉट सीट बैकग्राउंड, एट ग्लैंस, गूगल सर्च बार, ऐप ड्रॉअर के अंदर थीम्ड आइकन है, बैकग्राउंड ओपेसिटी है, ऐप सर्च बार है, और रिसेंट के अंदर बैकग्राउंड ओपेसिटी, मेमोरी इन्फो, क्लियर ऑल, ये सब आपको कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे। मिसलेनियस के अंदर हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स भी दिया गया है यहाँ पे, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा लॉन्चर में। और नोटिफिकेशन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्लैश नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन लॉक भी उसे दिया गया था, बाकी आप यहाँ पे कलर फ्लैश कर सकते हो या फिर फ्लैश लाइट का भी यूज़ यहाँ पे कर पाओगे जो कि काम कर रहे थे, ये सब वर्किंग है। और आते यहाँ पे नीचे में बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे बैटरी जैसा बैटरी सेवर है, चार्जिंग कंट्रोल है जिसमें आप शेड्यूल्स लगा सकते हो या फिर चार्जिंग जो लिमिट है वो सेट कर सकते हो, तो ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और यहीं पे बैटरी स्टैट्स भी दिया गया है जिसमें आप यहाँ पे सभी एप्लीकेशन पे यू देख सकते हो क्लिक करके डायरेक्ट, कितना यूज़ कर रहा है बैकग्राउंड में या क्या कुछ यूज़ हो रहा है कितना, वो पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हो तो यहाँ पे उसे सिंगल सिम पर रिंगटोन लगाने के दिया, अभी तो स्पेशल ऑडियो वे फ़ोन या फिर वायर्ड के लिए। और यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक मिल जाएगा काम करता हुआ, एंड नीचे फिर यहाँ पे पर वॉल्यूम कंट्रोल भी है, MI साउंड एनहांसर भी दिया गया यहीं पे, प्रीसेट्स हालांकि लेटेस्ट नहीं मिलते यहाँ पे, बट इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस भी यहीं पे मिल जाता, तो डॉल्बी एटमॉस भी ऐप डोर पे नहीं यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप यूज़ कर पाओगे। और क्लियर स्पीकर लास्ट में रहेगा। एसेबिलिटी के अंदर वैसे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे जो है हमारा फिंगरप्रिंट जो है सिर्फ मिलता है, फेस अनलॉक इसके अंदर हमें देखने को मिलता ही नहीं अभी फिलहाल इसके अंदर में। और मोर सिक्योरिटी ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे आपका ये रोम वैसे इनक्रिप्टेड है, मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ,
और यहाँ पे मैं जो है फ़िलहाल आपको दिखा दूँ तो पैटर्न साइज़ हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड पिन ऐड करते हैं, आगे हम देखते हैं फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है काम कर रहा है और अच्छे तरीके से वर्किंग है यहाँ पे हमारा जो फिंगरप्रिंट है। और इन हैंड पिन प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में। बाकी यहाँ पे नंबर एंटर करते तो ऊपर आपको अलग अलग स्टेप में नंबर एंटर होता देखने को मिलेगा, अलग एनिमेशन। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ एंड्रॉयड 14 में, बाकी तो ऐसा और कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे फेस अनलॉक देखने को नहीं मिला है, पता नहीं क्यों, अभी फ़िलहाल नहीं ऐड हुआ शायद। एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट के अंदर टच टू अनलॉक एट एनी टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, ये इनेबल रहेगा, तो इससे आप ऑफ स्क्रीन पे भी फिंगरप्रिंट यूज़ कर पाओगे। और फिर आते हैं बाहर में, तो यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग इन सब का सपोर्ट है। सिस्टम के अंदर लैंग्वेज में जाते हैं तो ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है चार एप्लीकेशन पे फिलहाल। रीजनल प्रेफरेंसेस के अंदर टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। और फिर आता है यहाँ पे अपडेटर दिया गया है जो कि ये मिल जाएगा, और इसी के नीचे हमें थर्मल प्रोफाइल ये भी जो है देखने को मिल जाता है। अब मैं इसके अंदर डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ और चलते हैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर में और देखते हैं यहाँ पे हमें हाइड नॉच मिलता है फिर या कि नहीं मिलता है। तो चलते हैं यहाँ पे इस वाले इसे इनेबल कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा इनेबल हो चुका है और चलते हैं सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे देखते हैं डिस्प्ले कटआउट हमें मिलता है जैसे कि, तो यहाँ पे आते हैं और यह डिस्प्ले कटआउट और इसके अंदर हमें फ़िलहाल हाइड नॉच नहीं मिलता है, हाइड नॉच अभी फ़िलहाल इसके अंदर नहीं है। और बात करें एंटूट स्कोर को लेकर के तो 406,141 हमें स्कोर मिला इसके अंदर और जो इसका सीपीयू थ्रो रेट है 93% मिला है। जिप स्कोर मैक्स पे 167,000 है, एवरेज स्कोर में 164,000 जो है देखने को मिला है। अब यहाँ पे गीगवेंच स्कोर हमारा सिंगल में 737 है, मल्टी के अंदर 1883 देखने को मिला है, ये स्कोर रहने वाले हैं सभी। और बूट एनिमेशन इसका थोड़ा बूट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है अगर हम बाकी रोम्स के मुकाबले देखें तो। नॉर्मल अगर हम बूट करते हैं, फर्स्ट बूट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल भी अगर हम बूट करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है बूट होने में, एनिमेशन जो है काफ़ी टाइम तक इसका ये चलता है। बाकी इंस्टॉलेशन के बारे में आपको समझा ही दिया हूँ कि पुराना इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वही आप फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो। बस रिकमेंडेड रिकवरी जो डिस्क्रिप्शन पे दी गई है उसको यूज़ करना है, कोई पुरानी रिकवरी आपको यूज़ नहीं कर रही है और आराम से आप इंस्टॉल कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और जैसे कि आप देख ही सकते हो इसका बूट एनिमेशन काफ़ी लंबा टाइम लेता है यहाँ पे थोड़ा सा, तो बूट होने में थोड़ा सा टाइम ये लेने वाला है। और चलते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा गेम की तरफ। तो गेम स्पेस यहाँ पे जैसे कि मिल जाता है इसके अंदर आपको, यहाँ पे मोड, एफपीएस, इन्फो, स्टे बैक, लॉक जैसर, ये सब देखने को मिलेगा, रैम यूजर्स, ये सब भी मिल जाता है। और जो ग्राफिक है इसकी उसके अंदर भी यहाँ पे आपको स्मूथ पे 90% मिल जाएगा, बैलेंस पे जो है अल्ट्रा तक मिलेगा, एचडी पे हाई तक मिलेगा, उसके आगे अनलॉक नहीं है। स्मूथ एंड 90% पे ही हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग यहाँ पे मुझे ठीक ठाक से लगी है, ज़्यादा ऐसी कोई तगड़ी गेमिंग अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस अगर हम बात करें गेमिंग की, बैलेंस परफॉर्मेंस है कि नहीं है, तो थोड़ी बहुत उसके टाइप की है, बट इतनी भी ज़्यादा अच्छी भी आपको यहाँ परफॉर्मेंस नहीं मिलती है गेमिंग को लेकर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गेमिंग आपकी उतनी अच्छी भी यहाँ पर नहीं रहने वाली, ठीक है, पर ज़्यादा अच्छी अगर बात करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल तो। और एनिमेशन में 60 हर्ट्ज़ पे आपको ज़रूर थोड़ा जिटरी सा फील होता है, 120 हर्ट्ज़ पे फिर वो चीज़ आपका बिल्कुल क्लियर स्मूथ सा रहने वाला है, लेकिन 60 हर्ट्ज़ पे आपको थोड़ा लैग मिलता है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जैसे कि नॉर्मल क्यूएस पैनल के अंदर भी या फिर ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा होता है लैग, ये सब रहेगा। और फेस अनलॉक यहाँ पे अभी तक ऐड, फर्स्ट रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता अभी यहाँ पे फेस अनलॉक ऐड हुआ था कि नहीं, अभी तक तो मेरे को देखने को यहाँ पे नहीं मिला इसके अंदर में, आगे के बिल्ड्स में देखते हैं ऐड होता है कि नहीं, बट फिंगरप्रिंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का जो है ये पूरा बिल्ड रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।